प्रदेश के अनुदेशकों के मामले को अब लगातार सुनवाई कर रहा है। पिछली 12 तारीख को इसकी सुनवाई हुई, आज 16 तारीख को इसकी सुनवाई हुई और अब इस मामले की लगातार डे टू डे हियरिंग के आधार पर कल भी सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल जस्टिस जे मुनीर साहब लगातार इसको सुन रहे हैं। और आज ये बात सामने निकल के आई कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा में सहभागिता 40% है और केंद्र सरकार की 60% है, 60-40 के रेशियो से आपको बाइफर्केशन करना है फंड का, तो इसमें जबकि यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार लगातार सर्व शिक्षा अभियान के तहत और बोर्ड गठित करके जिसमें उन्होंने ही गठित किया है, जो उन्हीं के डायरेक्शन में है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है इस शिक्षा के मामले में कोई पैसे में कोई रुकावट नहीं है और इस बाबत उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 बार लेटर लिखे हैं। भारत सरकार ने माननीय मोदी जी की गवर्नमेंट ने 3 बार लेटर लिखे हैं जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि किसी भी अनुदेशक का पैसा किसी तरह से नहीं रुकना चाहिए और उन्होंने अनुमोदन किया कि 17,000 रुपये उनकी सैलरी होनी चाहिए। 7,000 उनके ऊपर टॉर्चर है, क्रुएल्टी है, उनके ऊपर कुछ नहीं होता 7,000 से, तो उसके आधार पर बीच में बढ़ाया भी गया और उसके बाद भी फिर रोक लिया गया। कभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इतने आदेश हैं जिनमें बढ़ी हुई सैलरी आज के ज़माने में पीछे वापस नहीं ली जाती है, कम नहीं की जाती है, घटाई नहीं जाती है। और इसी बाबत इस मामले में उत्तर प्रदेश के, क्योंकि अनुदेशकों का ये 27,000 से अधिक अनुदेशकों का मामला है और जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है। और अच्छी बात यह है कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट और ऑनरेबल जस्टिस मुनीर साहब इस बात को समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी बात रखी, जिसमें वो कहीं भी अपील तो उन्होंने डाली है तो ये सिंगल बेंच ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अनुदेशकों के हित में 17,000 की तनख्वाह का आदेश पास किया था, उसके आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में डबल बेंच में अपील में आई है, जिसके आधार पर सुनवाई और कल भी इसकी लगातार सुनवाई होगी और हमें आशा ही नपितपूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की तनख्वाह 17,000 होगी और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसा कि सुनवाई कल आप देख रहे हैं लगातार कर रहा है उसमें हमारे हक में फैसला आएगा और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की निश्चित तौर पर न्याय की जीत होगी। उनकी गरीबी अर्थव्यवस्था है उसको समानता है, क्योंकि अब माननीय मोदी जी की सरकार ही डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को इससे लाभ देगी।